महानगर पालिका ने एक मुहिम स्टार्ट की है कि जो गड्ढे हैं शहर के या किसी भी जगह के, ठीक है, तो कोई भी नॉर्मल आदमी आता है, उनको बताता है कि यहाँ पर गड्ढे हैं, तो वो आएंगे और वो गड्ढे को विद इन 24 आवर फिल करके जाएंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो 500 रुपये का इनाम भी दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ये इनिशिएटिव लिया है महानगर पालिका ने, तो ये कितना हद तक सच है? इट्स बेसिकली इलॉजिकल बिकॉज 500 rupees when they start paying it out, if they are not able to fill the pothole within 24 hours, won't justify the people who will come face with an accident if they meet with that pothole, right? So it's basically their duty to fill up all the potholes before a citizen tells him, right? This is what their duty is, and this is what they are paid to do that. So giving 500 rupees to the citizens who report potholes are there doesn't justify at all what the things said by the BMC. It's totally illogical. It's illogical. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. Yes, sir. आपको नाम? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर बीबी शर्मा है। तो मैं साइंटिस्ट हूँ IIT बॉम्बे से। तो ये अच्छी मुहिम है, अगर ये इंसेंटिव देते हैं और लोग इन्फॉर्म भी करें। बहुत बड़े बड़े खड्डे हुए हैं, फॉर लास्ट 100 डेज रेनफॉल हो रहा है कंटिन्यूसली, तो खड्डे बढ़ गए हैं। तो और उनके बारे में अगर कोई पब्लिक इन्फॉर्म करती है BMC को, और अगर वो भरते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भरते और 500 रुपये इंसेंटिव देते इज़ अ गुड। बट सर, ये BMC का काम ही है, तो ये आपको नहीं लगता कि ये काम है? ये बिना बताए BMC को पता होना चाहिए कि यहाँ पर गड्ढे हैं और उनको वो भरने चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट लाइक दिस इज़ नॉन ऑफ आर बिजनेस और पब्लिक्स बिजनेस, ओके। ये उनका काम है ये करना, उनको देखना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि ये एक लालच देने वाली बात? नहीं, ये लालच देने वाली, वो मतलब दे क्लेम दैट हमारे कोई खड्डे हैं ही नहीं, तो दे वांट ए पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम द पब्लिक। अगर उनको आप फीडबैक देंगे, नहीं करते तो उसके लिए मतलब दे कैन बी पेनलाइज। सो इट इज़ आवर ड्यूटी ऑल्सो साइमल्टेनियसली कि BMC को हम बताएं कि भाई यहाँ खड्डे हैं, वो तो ढूंढ ही रहे हैं, बट व्हेन वी आर द सफरर इट इज़ आवर ड्यूटी। यस यस, कहते हैं ना कि जब तक बच्चे रोते नहीं वहाँ दूध नहीं पिलाते, सो वी हैव टू टेल। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। सर आपका नाम बताइए। मिस्टर आर.के. वैद्य। आर.के. वैद्य। सर, ये जो मुहिम स्टार्ट की है BMC ने, ये गड्ढों को भरने की, ठीक है, तो क्या है कि कोई भी नॉर्मल इंसान, कोई भी नॉर्मल पब्लिक ये गड्ढों के बारे में, कहीं पे भी गड्ढे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है BMC को, तो विद इन 24 आवर BMC के लोग आएंगे, वो गड्ढे भर के जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो 500 रुपये का इंसेंटिव देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये बातें कितनी हद तक जस्टिफाई करते हैं? देखो, ये जो खड्डे जो भरते हैं, एक कोई वर्कर जो कॉन्ट्रैक्टर है कोई सही काम करते ही नहीं है। और इसमें भी फिलहाल क्या, जो 2-व्हीलर जाते हैं, 4-व्हीलर जाते हैं, जो BST जाते हैं, एक खड्डा कोई नॉर्मल ऐसे जो भरते हैं ना, कोई मतलब ही नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट वाले कैसे काम देते हैं उनको नगर पालिका, एक पता नहीं लग रहा है। इसके बारे में कुछ और सोचना चाहिए। मैं आज का पेपर रोज़ पेपर पढ़ता हूँ, आज का पेपर में भी ये जो बात है, अभी मेरा बैग में पेपर है और ये पेपर में देखा, मैं काम देखने से एक इनाम देने वाले क्या है मतलब है, ये कुछ काम सही तो करते नहीं है। नगर पालिका सब कुछ मानधन उनको मिलते हैं, मगर मानधन किसे कौन सा किसे में जाता हूँ पता नहीं लग रहा है, यही बात चल रहा है। सर, तो यहाँ पे बात हो रही है गड्ढे भरने की, तो अगर कोई भी देखता है कि यहाँ पर गड्ढे है, इन्फॉर्म करता है, किसको टाइम होता फिलहाल ये जो करने के लिए, किसको टाइम है, किसको वक्त? तो ये सर हमारी भी ड्यूटी है ना, कुछ कि हम इन्फॉर्म, हमारी सबकी ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी है कि अगर वो क्या, वो डिनाई कर रहे हैं BMC वाले कि यहाँ पर कोई गड्ढे हैं ही नहीं, हमारे तो हमने तो कभी, हाँ तो ये डिनाई कर रहे हैं ना, तो अगर हमारी ड्यूटी है कि हम में से कोई भी जिसको भी कहीं पे भी गड्ढे देखते हैं तो इन्फॉर्म करते हैं, तो उसके बारे में जो एक्शन लेती है BMC, तो वो सच है, वो करेंगे कि नहीं करेंगे? वो सच, उन लोग कोई करते नहीं काम, सर्च लेने के लिए खाली नाम के लिए बहाना करते, भाई इसको किया उसको किया, कुछ होते हैं नहीं, बात उनके पीछे ही रहते हैं उन लोग, तो काम करते ना, तो काम तो ऐसे होते वाले हो रहने वाले। आज हम कई साल से देखते आ रहे हैं, आज मेरा उम्र 70 उम्र है, हम कई साल देखते हैं, हम सोशल वर्क भी कर चुका हूँ, सब हमारा हम रहने वाला जो माइम का मेन रहने वाला है, वहाँ का हम बहुत कुछ, हमारा गली में हम खुद काम करते हैं,
जब बारिश आते तो बारिश में पानी जाता नहीं किधर, हम लोग खुद हमारे बच्चे लोग को लेके हम लोग हाथ डाल के काम करते हैं। हाँ, मगर बाद में नगर पालिका आता है, हाँ हमने किया वो किया, क्या किया। तो सर ये जो अगर आप बोल रहे हैं कि आप माहिम से हैं, आपके यहाँ पर आपको जो बारिश में जो गड्ढे वड्ढे होते हैं तो इनका काम आप खुद करते हैं, तो एक बार आप ये करके इनिशिएटिव लेके तो देखिए शायद ये काम कर सकते। काम कौन करने को तैयार ही नहीं होता है, जब आप वहाँ का सोशल कारपोरेटर उसको बोल लेता है, उसका फिलहाल दो चार आदमी बाद में आते हैं, वो थोड़ा बहुत डामर डालता नहीं, उसको जलता नहीं, ऐसा बुझा के ज्यादा कर दिया, क्या जाता है। सर ये इनिशिएटिव अभी वही बहुत खट्टा वापस चालू होता ही है, खट्टा तो होता ही है सर, बट ये इनिशिएटिव जो लिया है उन्होंने, ठीक है, तो अगर हम और आप, ठीक है, अगर बताएं कि यहाँ पर हैं गड्ढे, वो करके जाते, पहली बात तो ये है कि गड्ढे तो होते ही रहेंगे, ठीक है, अगर वो काम वो करके जाते हैं कि नहीं जाते, मेन मुद्दा तो ये जाते है, देखते हैं हम लोग, देखते हैं काम को, काम करने का जो ढंग जो है वो काम सही नहीं होता। ओके, आपका कहने का मतलब ये है कि जो मटेरियल यूज करते हैं दवे, थर्ड क्लास मटेरियल, ये बारे में सच्ची है। हाँ, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अभी तक कितने गड्ढे चालू है, भरायचे काम चालू है गड्ढे टोटल तो मोजले नाही आहेत, पण भरायचे काम चालू आहे आम्ही पूर्ण करणार। ये कहां से स्टार्ट किया है आपने, कौन से यहां से स्टार्ट किया है? ग्रैंड रोड स्टेशन से आया बाहरचे बाजू फुलावजी बुआ नागरी मार्ग। कौन सा मार्ग? फुलावजी बुआ नागरी मार्ग जी। तो सर जो ये मुहिम चलाई है महानगर पालिका ने कि जो नॉर्मल जनता है आम जनता है, अगर वो कंप्लेन करती है ऐसे कोई गड्ढे दिखते हैं तो ये जो 500 का इनाम है वो सच में मिलेगा क्या? क्या मालूम नहीं, हम लोग को मालूम नहीं है। आपको तो पता होना चाहिए। नहीं, हम लोग मालूम नहीं सर। ये बताइए जिस तरीके से आज जो गड्ढे बुझाए जा रहे हैं तो ये कितने लगभग कितने गड्ढे बुझाए हैं कुछ अंदाजा? ऐसा तो अभी तो गिना नहीं है, अभी काम चालू है जी। हाँ जी। हाँ तो सर कंप्लेंट आपके पास किस तरीके से आ रही है, क्या महानगर वो अभी मेरे पास नहीं है, मैं क्या मालूम है, अभी क्या ऑफिसर नहीं है हम लोग जी, अभी मुकदम है हम लोग का, इतना ये नहीं है, वो आप साहब को मिलेगा क्या कितना टोटल है वो। ओके, तो अभी ये कहाँ कहाँ किस किस एरिया में आप जाने वाले हो? अभी तो एरिया में अभी फोन करेंगे साहब, अभी ये होने के बाद फोन करेंगे तो मालूम पड़ेगा। अच्छा, मतलब ये कंप्लीट होने के बाद फोन करेंगे और कहाँ? हाँ ऐसा है। अच्छा, लगभग कितने लोग आप एक साथ में एक गाड़ी में चल रहे हैं? हमारे गाड़ी में अभी 7-8 लोग है। 7-8? हाँ, 9 लोग है ड्राइवर के साथ सब। गड्ढे बुझाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जा रहा है? ये पट मिक्स, कोल्ड मिक्स। किस तरह हमने बात की जो ये महानगर पालिका के जो ये काम करने वाले गड्ढों की मरम्मत का काम कर रहे हैं, इनसे बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि और भी ऐसे कितने गड्ढे बाकी हैं जिनकी मरम्मत करनी बाकी है, कहां से किस क्षेत्र से ये मरम्मत करने का काम स्टार्ट किया, और भी कितने ऐसे गड्ढे हैं जिनका काम करना बाकी है, क्या ये इनिशिएटिव जो लिया गया है ये सच है कि जो आम आदमी हैं अगर इस तरह के गड्ढे यहाँ पर जो भी दिखाई देते हैं, इस तरह के गड्ढे अगर मिलते हैं किसी आम व्यक्ति को तो वो किस तरह से भेज सकता है, किस तरह से अपना संदेश पहुँचा सकता है महानगर पालिका की तरफ से? तो उन्होंने ऐसा कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया हमें कि इतने गड्ढे और भी भरने बाकी हैं या इतने बाकी रह गए हैं। खैर, जो भी महानगर पालिका ने जो इनिशिएटिव लिया है वो बहुत ही सराहनीय है। अगर ये इनिशिएटिव जो लिया है इसी तरह से चलता रहे तो ये जो गड्ढे हैं यहाँ पे इस पूरे देश में, इस पूरे शहर में ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, और ये जो एक्सीडेंट होते हैं इस तरह के गड्ढों से जो मुश्किलें आती हैं वो भी काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएंगी। कैमरामैन सिद्धेश के साथ दिव्या भारती की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़।